राजस्थान में साइबर ठगों पर इन दिनों दोहरा प्रहार हो रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो दूसरी ओर उनके अवैध अड्डे पर बुलडोजर चल रहा है। भरतपुर के मेवात इलाके में एक एक साइबर ठगों की आलीशान कोठियां तोड़ी गई। ठगों का यह गिरोह इतना शातिर था कि इन्होंने देश भर में लोगों को अपना शिकार बना रखा था। कैसे ये गिरोह ठगी को अंजाम देता था और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद वहां का मंजर क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में भजन का बुलडोजर गर्जा, साइबर ठगों के महल मिट्टी में मिले। राजस्थान में साइबर ठगों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। भरतपुर में कानून ने इंसाफ किया तो दूसरी ओर बुलडोजर ने भी पूरा हिसाब कर दिया। भोपा, बब्बर और वाजिद, ये वो साइबर ठग हैं जिनकी आलीशान कोठियों को राजस्थान सरकार ने देखते ही मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं घरों में बैठकर ये शातिर अंतरराज्यीय गिरोह चलाते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस के बाद अब मेवात में भजनलाल सरकार का ठगों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। आप देखिए, ये घर है मेवात इलाके में जो कि चिन्हित किया गया था, और ये इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है। और बड़ी बात ये है कि ठगों ने अवैध तरीके से अर्जित करके संपत्ति से ये बड़े बड़े घर बनाए थे। ये तीन मकान जो आप देख रहे हैं, इनको तोड़ा जा रहा है। तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर, क्योंकि एंटीवायरस के तहत ये पता लगा है कि ये ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और मेवात में एक बड़ा ठगी का जो खेल चल रहा था, उससे अवैध जो काली कमाई अर्जित की गई, उससे बड़े बड़े यहाँ पर आलीशान बंगले बनाए गए हैं, वो भी उस जगह पर जबरन जमीन को अधिग्रहित करके, इंक्रोचमेंट करके। तो इस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये उसका मकान है जो एक बड़ा ठग है, उस ठग को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद ये चिन्हित किया गया था कि यहाँ से कई बार ठगी की घटना, ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगों के पूरे नेटवर्क की सफाई के लिए 1 मार्च से राजस्थान पुलिस ऑपरेशन एंटीवायरस चला रही है, जिसमें सैकड़ों साइबर ठगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साइबर ठगों ने ठगी के पैसों से आलीशान कोठियां बना ली है। अब इन्हीं मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। मेवात में बड़े पैमाने पर ठगी होती है, ऐसा कोई देश का राज्य नहीं बचा है जहां पर ठगी के शिकार ना हुए हों लोग, और इसकी शिकायत भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। बड़े बड़े पुलिसों के जो अधिकारी हैं, वो तमाम अपनी फोर्स के साथ मेवात में कई बार यहां पर ऑपरेशन कर चुके हैं। और अब जब ऑपरेशन एंटीवायरस चला है, तो उसमें हजारों लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ है, मशीनें बरामद हुई हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। और तो और, ये तमाम चीज़ें पता लगी है कि अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है, उस अवैध रूप के संपत्ति जो अर्जित करने के बाद बड़े बड़े आलीशान घर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर उनका लाइफ स्टैंडर्ड इस तरीके का था कि यहीं से बैठ के ठगी की वारदात करते थे। यहाँ से उन लोगों को डिटेन किया गया है, पूरा एक जांच करके कि कहाँ से सबसे ज़्यादा ठगी की वारदात हो रही है। उन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया है, तब ये पता लगा है उनके बारे में कि जो उन्होंने अवैध रूप से संपत्तियाँ अर्जित की थी, उससे अवैध रूप से ही यानी कब्जा करके जमीन पर बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए हुए। ये ठग इतने शातिर थे कि मेवात के इसी इलाके से बैठे बैठे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे देशों के तमाम शहरों में ठगी को अंजाम देते थे। पूरे देश में कहीं भी साइबर क्राइम होता है, कहीं भी किसी के अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं या किसी के पास पैसों की ठगी के लिए फ्रॉड कॉल आते हैं, तो उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भरतपुर के मेवात का कनेक्शन होता है। घनी पहाड़ियों के बीच बने इन आलीशान घरों में ठगी का पूरा सिस्टम सेट था। साइबर क्रिमिनल्स की एक टीम फर्जी सिम और चोरी के मोबाइल लाती थी। इन सिम कार्ड्स को बंगाल, बिहार और ओडिशा से मंगवाया जाता था। सिम लाने के लिए वहां इन्होंने अपने एजेंट बना रखे थे। ठगी के धंधे में इन्हीं सिम का इस्तेमाल किया जाता था। अब बताते हैं कि ठगी का खेल कैसे खेलता है मेवाती गैंग। शुरुआत लड़की की फेक प्रोफाइल बनाने से होती है, फिर टारगेट में आए लोगों को कॉल की जाती है। उधर कॉल उठाते ही इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला स्टेप ब्लैकमेलिंग का शुरू होता है। पैसे की डिमांड की जाती है,
आनाकानी करने पर कभी सीबीआई अधिकारी बनकर कभी एसटीएफ बनकर धमकी देते हैं। बैंक में भी इनकी सेटिंग के सबूत मिले हैं। बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवाने के बाद उसी पर ठगी की रकम मंगवाते थे। देश भर से मिली तमाम शिकायतों के बाद राजस्थान पुलिस साइबर अपराधियों के कमर तोड़ने में जुटी है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अब तक 400 गिरफ्तारी, 150 एफआईआर हो चुकी है। ठगों के पास 40 लाख रुपए का कैश, 1000 मोबाइल फोन, 300 एटीएम कार्ड, 1500 सिम कार्ड, 31 कार बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा 27 बाइक, 8 लैपटॉप, 6 कंप्यूटर और 1 टैबलेट भी मिला है। इन ठगों के पास 72 पासबुक, 67 चेकबुक, 1 फिंगरप्रिंट और 1 कैश गिनने की मशीन भी मिली है। जब पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने पूछताछ में वो राज बताए जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। ठगों ने आलीशान मकान तो बनवाए ही थे, इसके साथ ही वन विभाग की जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। ये साइबर ठगों द्वारा अर्जित संपत्ति से मकान बनाए हुए हैं। ये मकान वन विभाग की भूमि में बने हुए हैं, तो इनका वन विभाग को पत्र जारी किया गया था। उन्होंने इस जगह को अपनी वन विभाग की जमीन होना बताया और उन्होंने हमें इस पे अतिक्रमण हटाने के लिए हमारी इमदाद मांगी थी, उसी उसमें आज ये कार्रवाई की जा रही है। यानी ये ठगी से ही पूरा आलीशान बंगला बनाया था। हाँ, ये साइबर ठगी की जो अवैध कमाई है उसी से ये मकान बने हैं। एक वक्त था जब राजस्थान पुलिस भरतपुर के इस इलाके में आने से कतराती थी। उसकी वजह आप यूं समझिए कि देश भर में साइबर क्राइम का 18% इसी इलाके से ऑपरेट होता है। ये ऐसा एरिया है जहां एक तरफ राजस्थान है तो पहाड़ी पार हरियाणा। घनी पहाड़ी की मदद से ठग भागने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन राजस्थान में सरकार बदली तो सिस्टम भी बदल चुका है। भजनलाल सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में जुट गई है। बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है और बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देखिए QRT के और जो स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो यहाँ पर पूरी पहाड़ी पर चप्पे चप्पे पर खड़ी है ताकि किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। कितने दिन में खड़ा हो गया होगा? एक दिन का तो नहीं, ये 4-5 साल से लगातार सक्रिय चल रही थी साइबर ठगी के अपराधों में। और जैसा कि अब आपको और सबको विदित है, साइबर ठगों की इस समय कमर तोड़ दी गई है, तो उसी के अंतर्गत की कार्रवाई होती है। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश जा रहा है कि साइबर ठगी के पैसे से बने अवैध निर्माण को टिकने नहीं दिया जाएगा।